नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबको एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्र चल रहे नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आज जिस हम संविधान की कसमें खाते हैं, उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उन्हें संविधान निर्माता का सम्मान भारत में है। जो संविधान सभा बनी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी भारत के संविधान की बनाने की, उसके मुखिया थे बाबा साहब अंबेडकर। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में भी एक कानून मंत्री बने, जोगिंद्रनाथ मंडल, और पाकिस्तान में जो संविधान सभा बनी उसके भी अगुवाई कर रहे थे जोगिंद्रनाथ मंडल। दलितों का यह सम्मान उस समय था जब 40 के दशक में भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना और दोनों राज्य के संविधान सभा के अध्यक्ष बने दो दलित अलग अलग। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने और जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तानी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। दोनों अपने अपने देश में कानून मंत्री बने। लेकिन यह दौर कितने समय तक चलता रहा? आज हम जोगिंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब अंबेडकर को की पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के निर्माण में कैसे एक हिंदू दलित की भूमिका थी, कैसे पाकिस्तान का जो एक बड़ा भूभाग चला गया पाकिस्तान के पास, उसमें नेहरू की भूल और जोगिंद्रनाथ मंडल का स्वार्थ सदा हुआ था। जिस बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और भविष्य में जो बाबा साहब अंबेडकर भारत के कानून मंत्री बने, उसमें कैसे जोगिंद्रनाथ मंडल की भूमिका। यदि इस बारीकी से समझने के बाद हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो भारत में मीम और भीम का समीकरण तय किया जा रहा है, जो षड्यंत्र मीम और भीम का किया जा रहा है, उसको समझने के लिए जोगिंद्रनाथ मंडल को समझना क्यों जरूरी है, क्यों पाकिस्तान के निर्माण को समझना जरूरी है, क्यों पाकिस्तान को जो इतना बड़ा भूभाग मिला, इतनी बड़ी जो जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई और आज वो खत्म हो गई, उसको समझने के लिए आज मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बॉम्बे रेसिडेंसी के थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, और जोगिंद्रनाथ मंडल कोलकाता प्रेसिडेंसी। दोनों में अंतर क्या? जोगिंद्रनाथ मंडल बाबा साहब अंबेडकर का बहुत सम्मान करते थे। जोगिंद्रनाथ मंडल हमेशा यह मानते रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस समय के लिहाज से सिर्फ भीमराव अंबेडकर कहिए, भीमराव अंबेडकर बहुत ही ज्ञानी हैं, और जोगिंद्रनाथ मंडल अक्सर यह लिखते थे कि अंबेडकर की लेखनी, उनके ज्ञान, उनकी विद्वता से मैं बहुत प्रभावित हूं। जोगिंद्रनाथ मंडल की अपेक्षा बाबा साहब अंबेडकर इस दृष्टि से बहुत सीनियर थे। लेकिन जोगिंद्रनाथ मंडल ने कैसे बाबा साहब अंबेडकर को बनाया? आज यदि जोगिंद्रनाथ मंडल नहीं होते तो क्या बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष होते? नेहरू ने पूरा षड्यंत्र किया था कि कैसे जोगिंद्रनाथ, कैसे अंबेडकर को हराया जाए, और अंबेडकर अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो चुनाव हार गए जिसके आधार पर उन्हें संविधान सभा में पहुंचना था। आप सबको मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर की लिखी इस किताब को आप जरूर पढ़ें। हिंदी में यह है पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन, पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, इस किताब में की शुरुआत उस समय में लिखी गई है, 30 के दशक से बाबा साहब अंबेडकर ने यह किताब लिखनी शुरू की। और यदि एक किताब आपको यदि मैं प्रेफर करूं तो इस किताब को आप जरूर पढ़िए। बाबा साहब अंबेडकर की इस किताब जब शुरुआत में उन्होंने लिखी थी, इनका जो फर्स्ट एडिशन था, उसकी तारीफ नेहरू ने भी की और जिन्ना ने भी की। शुरुआत में बाबा साहब अंबेडकर घोर विरोधी थे पाकिस्तान के,
और वो इस मामले में अपनी प्रस्तावना में भी बाबा साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान की मांग को असंगत साबित करने के लिए कतिपय तो तर्क देते हैं, उसमें कुछ है कि आप सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या सिर को काट तो नहीं देते। बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान निर्माण की जो मांग थी उसका पुरजोर विरोध करते रहे और ये कहते रहे, जो तर्क उन्होंने इस किताब में उन्होंने दी है वो ये कहा है कि यदि सिरदर्द होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर को धर से अलग कर दिया जाता। लेकिन वैसे आजकल बड़ा नारा है नरसिम्हानंद स्वामी जी के लिए कि सिर धर से अलग, धर सिर से अलग। ये कहते हैं कि हमारे जो आसमानी किताब में कहा गया है कि जिसने भी हमारी बात को नहीं माना, जिसने भी हमारी आसमानी किताब को अपमान किया, उसका सिर धर से अलग, धर सिर से अलग। और इसीलिए लगातार एक कई मस्जिदों से ये चीजें चल रही, खैर हम विषयांतर हो जाएंगे। लेकिन इसी किताब में एक खंड में बाबा साहब अंबेडकर ने यह भी लिखा कि जब भारत का विभाजन हो ही गया तो और मजहब के आधार पर हुआ तो दोनों समुदाय को अलग अलग हिस्से में कर देना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की यह किताब अलग अलग खंड में है उनका संपूर्ण वांग्मय। आप सबको आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर मैं कहूंगा कि इसे भी यदि आपके पास वक्त हो, समय हो, तो जरूर पढ़िए। हिंदू दर्शन है, जिस जो लोग भी बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू विरोधी मानते हैं उनके लिए बाबा साहब का ये हिंदू दर्शन जो है उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। ये उनका अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी, मुझे लगता है कि ये प्रेफर करूंगा। और अछूत कौन, वे अछूत कैसे बने, ये जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बाबा साहब ने एक बताने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि बाबा साहब को समझना इसलिए भी जरूरी है कि कैसे इस देश में मुगल काल में दरअसल वर्ण व्यवस्था पीक पर चली गई और कैसे मुगल काल में ये चीजें बनी कि जाति प्रथा जो है हमारे समाज में, कैसे जाति प्रथा हमारे समाज में मुगल काल के दौरान एकदम से ऊपर तक पहुंच गया, चाहे वो रामायण में सवरी का मामला हो या फिर किसी भी पक्ष को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जाति प्रथा हमारे समाज में कर्म के हिसाब से था। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदलती चली गई और बाबा साहब ने अछूत कौन में इस चीज की पूरी व्याख्या की है। बाबा साहब अंबेडकर को मैं इस विषय में आज इस तरह से समझने की कोशिश करता हूं कि आपको आश्चर्य लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव लड़ रहे थे स्टेट के लिए, तो जब संविधान सभा बनना था तो हर राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुना जाना था। और आप बहुत बारीकी से आज इस चीज को समझिएगा, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ करके एक बड़ा चैलेंज लिया था यूट्यूब पे आने का, ईटीवी में पॉलिटिकल एडिटर के रूप में भूमिका में था, बड़ी जिम्मेदारी वाली भूमिका थी और सरकारी नौकरी की तरह था। मैंने पीछे भी आप लोग जो मनीष ठाकुर शो लोग जो लोग देख रहे हैं शुरू से, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कैसे मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में ईटीवी जैसे संस्था की नौकरी छोड़ी और यूट्यूब पे एक अंधकार में समय में कूद गया कि मुझे एकदम से अपने 18-19 साल के इस पूरे करियर में जब घिन आने लगी पूरी व्यवस्था से, इस चाटुकारिता की पत्रकारिता से, इस खैरात की पत्रकारिता से, तो मैंने नौकरी छोड़ करके जब ये थी ऐसी व्यवस्था YouTube जैसी संस्था आई जिसमें मुझे लगा कि यहां से पत्रकारिता की जा सकती है, मुझे लगता है कि मैं शायद पहला दूसरा तीसरा वो व्यक्ति होऊंगा जिसने YouTube को पत्रकारिता का आधार बनाया। वरना YouTube पे लोग घरेलू चीजें कुछ कुछ वीडियो डाल करके कमा रहे थे, पत्रकारिता भी YouTube के माध्यम से किया जा सकता है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने की, वरना लोग कैजुअली कुछ कुछ इस पे डाला करते थे। एक प्रोफेशनली इस मामले में हम लोग मैदान में आए कि जनता की मीडिया ऐसे बनाया जाए, क्योंकि जो एक भ्रम बनाया जा रहा है, जो टेलीविजन चैनल जो एक भ्रम बनाता है, जो फ्रॉडिज्म करता है, उसकी काट हो सके। कैसे मीम भीम समीकरण लेफ्ट लिबरल गिरोह ने की मीडिया ने टेलीविजन पर बनाया, कैसे तबरेज अंसारी जैसे लोगों के मॉब लिंचिंग को धर्मांधता का रूप देकर के लिबरल मीडिया ने बनाया, लेकिन उसी मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी के लिए मॉब लिंचिंग हो गया इस खैराती मीडिया के लिए। लेकिन चार दिन पहले इसी किशनगंज में
एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए एसएचओ अश्विनी कुमार की मस्जिद में ऐलान के बाद उन्हें भीड़ ने घेर लिया और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। ये खैराती पांडे और गैंग जिसने तबरेज अंसारी पर इतना बवाल मचाया, इन चिरकुटों की टोली ने चुप्पी लगा दी। इसीलिए मुझे लगा था कि इस सब चीजों में आना चाहिए, कैसे झूठ बनाया जाता है, कैसे मीम भीम समीकरण पिछले 4-5 सालों से ये एक लिबरल मीडिया जो एकदम बिल्कुल अपनी बर्बादी तबाही पर है, कैसे मीम भीम समीकरण बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर यदि इसे समझने की कोशिश करेंगे, दो चीजें, बाबा साहब अंबेडकर और जोगिंदर नाथ मंडल, दोनों को यदि आप समझ लेंगे तो आप इस छल को, देश तोड़ने के 47 के छल को और फिर देश तोड़ने के 47 के छल को रिपीट करने के षड्यंत्र को आप समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे कि कैसे जोगिंदर नाथ मंडल ज्यादा खतरनाक था बनिस्पत जिन्ना की। वैसे ही आज के जोगिंदर नाथ मंडल कायदे से कहिए तो वो लिबरल मीडिया है, वो जोगिंदर नाथ मंडल की भूमिका में आज की लिबरल मीडिया है। जोगिंदर नाथ मंडल का और बिना स्वार्थ के कोई लिबरल गैंग कुछ नहीं करता। जोगिंदर नाथ मंडल को यह लगता था कि बाबा साहब अंबेडकर का कद बड़ा हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ नेता जमीन पर तो वो होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू उतनी नहीं होती, उनका वोट सपोर्ट तो होता है लेकिन उनका कद उतना बड़ा नहीं हो पाता। वो जनता में, अपने जनता में प्रभावशाली तो होते हैं लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनका मंत्रिमंडल में होना वो नहीं होता। बाबा साहब अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनकी लेखनी में अद्भुत ताकत थी, उनकी अंग्रेजी लाजवाब थी, उनकी भाषा शैली लाजवाब थी, इसीलिए उन्होंने कई किताबें उस दौर में लिख दी। और ये जो उनकी किताब है भारत विभाजन पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये किताब हर षड्यंत्र को की पोल खोलता है, ये किताब इसकी भी पोल खोलता है कि कैसे नेहरू ने उनके साथ षड्यंत्र किया। दरअसल अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, अब देखिए जो विद्वान आदमी होगा जरूरी नहीं है कि वो चुनाव भी जीत जाएगा, जो अपना पूरा समय अपने अध्ययन में दीन दुनिया को जुटाने में लगेगा जरूरी नहीं कि वो चुनाव भी जीत जाएगा। लोकप्रियता अलग है, विद्वता अलग है। अमिताभ बच्चन चुनाव जीत सकते हैं, हेमा मालिनी चुनाव जीत सकती हैं, जयप्रदा चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन कोई विद्वान आदमी चुनाव जीत जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और जब, क्योंकि उसका कारण यह भी होता है कि ये जो लोकप्रिय इस ढंग के जो नचनिया बजनिया टाइप के जो लोकप्रिय लोग होते हैं वो नेताओं के लिए खतरे नहीं होते, लेकिन ये विद्वान लोग खतरे होते हैं। अंबेडकर का जो कद था उससे नेहरू को हमेशा कहीं ना कहीं भय लगता था, और नेहरू उस हर डाल को काटते थे जो उन्हें संदेह लगता था कि उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो आजाद स्वतंत्रता सेनानी वो गरम दल के नेता हों, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बी आर अंबेडकर हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, हर सब किसी के पर उन्होंने गांधी से कटवाने की कोशिश की। ये बताया जाता है कि अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से तो चुनाव हार गए और नेहरू ने पूरी कोशिश करके उन्हें चुनाव से हरवा दिया ताकि चुनाव जो जीतने वाले लोग थे वही आकर के संविधान सभा में बैठ सकते थे। जब अंबेडकर चुनाव हार गए तो उस समय में वो चूंकि दलितों के एक मसीहा के रूप में सामने आए थे, जोगिंदर नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल बुलाया और कोलकाता प्रेसिडेंसी से उन्हें चुनाव लड़वाया और चुनाव जीत गए अंबेडकर। आपको आश्चर्य लगेगा कि अंबेडकर जब चुनाव जीत गए तो अंबेडकर संविधान सभा में जाने के योग्य हो गए। कोलकाता प्रेसिडेंसी, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से नहीं, कोलकाता प्रेसिडेंसी से वो संविधान सभा में गए। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस जगह से अंबेडकर चुने गए उस जगह पर 71% हिंदू थे, मतलब दलित बहुल एरिया था, 71% हिंदू थे। और उसमें से भारत विभाजन का की जो लकीर खींची सर रेडक्लिफ ने, उसमें यह तय किया गया कि 51-51% यदि जिस क्षेत्र में हिंदू हो जाएगा वो पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान में होगा, और जो 51% मुस्लिम होगा तो पाकिस्तान में चला जाएगा।
अंबेडकर जिन चार जिलों से संविधान सभा के लिए चुने गए, वो चार के चारों जिला बांग्लादेश आज के बांग्लादेश में चला गया। जो मतुआ समुदाय आप जिसे कहते हैं, उसका प्रभुत्व वही है जहां से अंबेडकर जीत करके आए थे। और वो चारों जिले अंबेडकर को कमजोर करने के लिए नेहरू ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और उस समय में जोगिंदर नाथ मंडल जिन्ना के बहुत ही बड़े चापलूस बन चुके हुए थे। जोगिंदर नाथ मंडल के कारण पाकिस्तान में जो वो नारा पाकिस्तान निर्माण के लिए 40 से 42 तक चलता रहा, 44-45 तक जो चलता रहा, 45 तक जो नारा चलता रहा, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, उस नारा को जोगिंदर नाथ मंडल ने बना दिया मुसलमानों और दलितों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। ये जोगिंदर नाथ मंडल के साथ जिन्ना ने एक बड़ा दांव चला और उसके साथ ये नारा बना दिया गया कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और दलितों और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। बाद में जोगिंदर नाथ मंडल जिन्ना के चूंकि जबरदस्त फैन थे और जिन्ना ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वो पाकिस्तान के कानून मंत्री होंगे। दूसरी तरफ अंबेडकर हमेशा ये मनाते रहे जोगिंदर नाथ मंडल को कि तुम्हारे जाने से दलित वहां कमजोर हो जाएंगे, लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल को यह लगता था कि जोगिंदर नाथ मंडल दूसरी तरफ यह सोचते थे कि यदि हम पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान में हम दलितों के लिए एक बेहतर स्पेस बना पाएंगे। और इसी लिहाज से जोगिंदर नाथ मंडल लगातार पाकिस्तान के फेवर में रहे और दूसरी तरफ हमेशा से अंबेडकर इस बात का विरोध करते रहे कि पाकिस्तान में जाकर के किसी भी तरीके से दलितों का भला हो सकता है। वो इस किताब में उन्होंने इसकी पूरी व्याख्या की कि और इस किताब में उन्होंने कई जगह इस बात की व्याख्या की है और लिखा है कि मुसलमानों के लिए उनके कुरान से बढ़कर देश नहीं हो सकता। ऐसे कंडीशन में जब दलितों की बात आएगी तो दलित मारे जाएंगे, उनके पास किसी भी ढंग से बचने का कोई विकल्प नहीं होगा। जोगिंदर नाथ मंडल इसके उलट सोच रहे थे। जोगिंदर नाथ मंडल का मानना था कि जैसे दलित पीड़ित हैं, उसे ऐसे ही भारतीय समाज में हिंदू भी मुसलमान भी पीड़ित है और दलितों और मुसलमानों की स्थिति लगभग लगभग एक जैसी है। इसीलिए वो अंबेडकर को, बाबा साहब अंबेडकर को मनाते रहे कि आपको भी पाकिस्तान के साथ जाने की बात करनी चाहिए। आपको आश्चर्य लगेगा कि आज का जो बांग्लादेश है उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आसाम से टूट करके, या फिर बंगाल का जो हिस्सा जो बांग्लादेश जो आज के है, जो पूर्वी पाकिस्तान बना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जोगिंदर नाथ मंडल के कारण चला गया। अब कल्पना कीजिए कि जोगिंदर नाथ मंडल खुद तो जीते ही और खुद जीतने के साथ साथ उन्होंने अंबेडकर को जितवाया, तो अंबेडकर को जैसे राहुल गांधी हार गया चुनाव अमेठी से, उन्हें पता था कि चुनाव हार जाएंगे, तो राहुल गांधी को एक भरोसे के हिसाब से वायनाड ले जाया गया ताकि तुष्टिकरण समाज का जो वोट है, लगभग 70% वोट है, वो राहुल को भरोसा दिलाया जा सके कि राहुल को ये वोट मिलेगा। उसी ढंग से जोगिंदर नाथ मंडल ने उस इलाके से बी आर अंबेडकर को चुनाव लड़वाया जहां दलितों का वोट परसेंटेज था और वहां मुसलमानों का वोट परसेंटेज था। इसीलिए उन चार जिलों में जहां 71% संख्या थी दलितों की, हिंदुओं की, दलितों और हिंदुओं की, वहां से जोगिंदर नाथ मंडल के रूप में, के उम्मीदवार के रूप में खड़े बाबा साहब अंबेडकर। उस समय पाकिस्तान निर्माण की बातें शुरू नहीं हुई थी लेकिन हवा कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था और अंबेडकर वहां से जीत गए। अंबेडकर जब जीत गए तो चुनाव सभा में आपको आश्चर्य लगेगा कि वो जोगिंदर नाथ मंडल ही थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के लिए अंबेडकर के नाम की प्रस्तावना की थी। और अंबेडकर के नाम का जब प्रस्ताव को जब प्रस्तावित किया गया, अंबेडकर के नाम के प्रस्तावना के साथ साथ ये देखा गया कि कैसे संविधान सभा में इनका प्रभुत्व हो। और भारत उस समय जब भारत के पूरी संविधान सभा जब एक सी थी, अंबेडकर को इसके लिए सामने रखा गया और उन्हें इस बात को लेकर के तैयार किया गया
कि बाबा साहब अंबेडकर ही संविधान सभा की अध्यक्षता करेंगे और इसके लिए मंडल ने उनको उनको प्रस्तावित किया और विश्वास ने उनका समर्थन किया उस समय के कांग्रेस के नेता ने। और ये दोनों गयानाथ विश्वास, कांग्रेस के गयानाथ विश्वास और मुस्लिम लीग से के साथ जुड़ गए जोगिंदरनाथ मंडल। जोगिंदरनाथ मंडल ने प्रस्तावना दी और गयानाथ विश्वास ने इनका समर्थन किया। तो आप ये जान सकते कह सकते हैं कि बी आर अंबेडकर यदि संविधान सभा में पहुंच पाए तो उसके लिए जोगिंदरनाथ मंडल जी के एहसान मंद रहेंगे बी आर अंबेडकर, क्योंकि बी आर अंबेडकर का ज्यादातर वक्त उनकी विद्वता। आज यदि आपके पास संविधान है, अब हर कोई जो 24 घंटे चुनावी मूड में रहेगा, दिन रात जातिवाद में रहेगा, तो वो अंबेडकर नहीं बन सकता। उनकी विद्वता थी, उसकी विद्वता से जोगिंदरनाथ मंडल प्रभावित थी। और जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के समय में मंडल को लगातार अंबेडकर समझाते रहे कि इससे अहित होगा। और ये जोगिंदरनाथ मंडल के कारण ना सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब में जो दलितों दलित बड़ी संख्या में जो दलित थे वो उन्होंने भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया जोगिंदरनाथ मंडल के कारण। जोगिंदरनाथ मंडल उनका जो पहनावा था वो एक तरह से कायदे से कई बार आप देखेंगे उनके पहनावे को तो बंगाली ब्राह्मणों की तरह उनका पहनावा था। वो हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में अपने आप को पेश करते थे। लेकिन हम आपको आज जोगिंदरनाथ मंडल की उस चिट्ठी को जो उन्होंने बाद में पीरा में पढ़ी और वो चिट्ठी उन्होंने लियाकत अली खान प्रधानमंत्री को 8 मार्च 1950 को लिखी। मतलब जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान गए, जाते ही वो जिन्ना के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, वहां की संविधान सभा, वहां के संविधान निर्माता वो कहलाए। ये अलग बात है कि जोगिंदरनाथ मंडल का संविधान पाकिस्तान ने 2 साल के अंदर कूड़ेदान में डाल दिया, जो एक सेकुलर संविधान जो जिन्ना, देखिए कई बार जब आप देखते हैं अलके आडवाणी को एक चीज की सजा मिली कि उन्होंने जिन्ना को सेकुलर कह दिया था, लेकिन जिन्ना मुस्लिम पाकिस्तान की बात करते हुए भी जोगिंदरनाथ मंडल को एक बच्चों को जैसे टॉफी से फुसलाया जाता है, वैसे जोगिंदरनाथ मंडल को फुसलाने के लिए उसने सेकुलर पाकिस्तान की बात की। सिर्फ जोगिंदरनाथ मंडल को फुसलाना था उसे, इसीलिए उसने सेकुलर पाकिस्तान की बात की कि मुस्लिम प्रधान देश सेकुलर पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान के जो मुस्लिम होंगे वो अरब के मुस्लिम से एकदम अलग होंगे, ये समझाया गया। और इसमें जो जिन्ना का जो षड्यंत्र था वो ये था कि दलितों का के जनसंख्या के नाम पर पाकिस्तान को भूगोल में बड़ा एरिया मिल जाएगा। यदि दलित मुसलमानों के साथ आ जाएंगे तो पाकिस्तान को एक बड़ा एरिया पाकिस्तान को मिल जाएगा, इसीलिए उसने सेकुलर पाकिस्तान का एक छलावा किया, जिस छलावे का शिकार हुआ जोगिंदरनाथ मंडल। जोगिंदरनाथ मंडल के पाप के कारण भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, बंगाल में आज कई सारे जो हिंदू पीठ हैं वो बांग्लादेश में चले गए, जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पंजाब में बाद में दलित सिख बन गए, वो बहुत बड़ी संख्या में वो हिस्सा जोगिंदरनाथ मंडल के उस बच्चे की तरह। जोगिंदरनाथ मंडल एक स्वार्थ में, यही फर्क है बाबा साहब अंबेडकर और जोगिंदरनाथ मंडल में। बाबा साहब अंबेडकर किसी स्वार्थ में नहीं थे, उन्हें आपत्ति थी हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू सनातनी व्यवस्था के अंदर जो जातिवाद था, जो दलितों के साथ जो अन्याय चल रहा था उसका विरोध तो था, लेकिन वो मानते थे कि भारत के ही धर्म, भारत में ही जो धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, भारत के प्रति आस्था यहां पैदा हुए धर्मों में ही हो सकती है। और इसीलिए जोगिंदरनाथ मंडल को इस बात को लेकर को कहते रहे कि मैं यदि धर्म बदल भी लूंगा, मैं बौद्ध हो भी जाऊंगा, तो मैं भारतीय मेरे लिए प्रायोरिटी है। और इसीलिए इस बात को जब वो बाद में कहने लगे कि यदि विभाजन हो तो धर्म के आधार पर पूरी तरह से हो और जनसंख्या का स्थानांतरण हो, इस बात को लेकर के वो लगातार कहते रहे। जोगिंदरनाथ मंडल उस षड्यंत्र का शिकार हो गया। वो जिन्ना वो बाबा साहब अंबेडकर की तरह समझदार नहीं था, उसे इस बात का जोश था कि वो दलितों का नेता है और जिन्ना को यदि वो इतना बड़ा वोट दिला सकता है, इतना बड़ा एरिया दिला सकता है, तो पाकिस्तान का वो कानून मंत्री होगा, प्रभाव होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसे सूझने लगा कि पाकिस्तान में दलितों का कैसा नरसंहार हुआ और उसने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। वो चिट्ठी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस चिट्ठी में उसने लिखा, मंत्रिमंडल
एक बार कई बार मैंने ये चिट्ठी, हो सके तो आपको मैं उस पर डाल दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, इसको मैंने आपको इसका विश्लेषण किया था। जोगिंद्रनाथ मंडल ने लिखा कि बंगाल में मुस्लिम और दलितों की एक जैसी हालात थी। वो उसने, जोगिंद्रनाथ मंडल ने इंग्लिश में ये चिट्ठी लियाकत अली खान को लिखी, लेकिन ये चिट्ठी बाद में। और आपको आश्चर्य लगेगा कि बचपन में हमने जोगिंद्रनाथ मंडल को जाना ही नहीं, हमने तो जोगिंद्रनाथ मंडल को 2-3 साल पहले जाना है। जोगिंद्रनाथ मंडल को नेहरू के चमचे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास से एकदम से गायब कर दिया। जोगिंद्रनाथ मंडल क्या है, कौन है, जोगिंद्रनाथ मंडल की भूल से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, इस बात को बड़ी षड्यंत्र से नेहरूवादी इतिहासकारों ने गायब कर दिया। और नेहरू ने इसीलिए एक खास समुदाय के लोगों को लगातार भारत का शिक्षा मंत्री बनाया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा मंत्री का बहुत मायने है। नेहरू ने बड़े षड्यंत्र से इसीलिए लेफ्ट लिबरल गिरोह को भारत की पूरे शिक्षा सिस्टम को दे दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपनी शैक्षणिक लाइफ में कभी जोगिंद्रनाथ मंडल को नहीं जाना। आपको आश्चर्य लगेगा कि 1 साल पहले जब मैंने यूट्यूब पे जोगिंद्रनाथ मंडल की जीवनी के बारे में बताया, लगभग 1.25 साल हो गए होंगे जब मैं शुरू ही किया था, दिसंबर महीने पिछले साल दिसंबर महीने में मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था उसी समय जोगिंद्रनाथ मंडल को, वो खूब वायरल हुआ था और उसी के कारण मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हो गया, जोगिंद्रनाथ मंडल के कारण, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे जोगिंद्रनाथ मंडल को। उस मंडल ने क्या लिखा, जरा सा उसकी चिट्ठी को मैं पढ़ दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जोगिंद्रनाथ मंडल ने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी कि बंगाल में मुस्लिमों और दलितों की एक जैसी हालात थी, दोनों ही पिछड़े मछुआरे अशिक्षित थे। मुझे आश्वस्त किया गया कि लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला हो जाएगा। हम मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। इन्हीं कारों से मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। ये जोगिंद्रनाथ मंडल लियाकत को लिख रहे हैं बतौर कानून मंत्री। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इसके बाद बंगाल में भीषण दंगे हुए, कलकत्ता के नोआखाई नरसंहार में पिछड़ी जाति समेत कई हिंदुओं की हत्या हुई, सैकड़ों ने इस्लाम कबूल कर लिया, हिंदू महिलाओं का बलात्कार अपहरण किया गया। इसके बाद मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मैंने हिंदुओं के भयानक दुख देखे, लेकिन जिससे अभिभूत हूं, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति अपनाई। आज भी मीम वाले जो खलनायक नेता हैं वो इसी ढंग से शिकार हो रहे हैं और आपको शिकार कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखता है जोगिंद्रनाथ मंडल कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मैं ख्वाजा निजामुद्दीन से बात कर ईस्ट बंगाल की कैबिनेट में 2 पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझे ऐसा करने का वादा किया, लेकिन इसे टाल दिया गया और मैं बहुत हताश हुआ। गोपालगंज, आपको याद होगा उसी गोपालगंज में अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे बांग्लादेश में, जो दलितों का एरिया है, गोपालगंज के पास दीखर कुल में एक मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नमोशुद्राय लोगों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया। पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों ने नमोशुद्राय समाज के लोगों को पीटा, घरों में छापे मारे। एक गर्भवती महिला को इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसके मौके पर ही गर्भपात हो गया। निर्दोष हिंदुओं, विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों पर सेना के साथ पुलिस ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया। सहलेट जिला के हबीबगढ़ में निर्दोष पुरुषों और महिलाओं को पीटा गया। ये शिकायत लिख रहे हैं जोगिंद्रनाथ मंडल, जो चिट्ठी उनकी है, बतौर कानून मंत्री अपने प्रधानमंत्री को अपनी पीड़ा लिख रहा है। वो सेना ने ना केवल लोगों को पीटा बल्कि हिंदू पुरुषों को उनकी महिलाओं को सैन्य शिविरों में भेजने के लिए मजबूर किया गया ताकि वो सेना के कामों की इच्छाओं को पूरा कर सकें। मैं इस मामले में आपके संज्ञान में लाया था, मुझे इस मामले में रिपोर्ट के लिए आश्वस्त किया गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली। ये इस्तीफा वाली चिट्ठी है। इससे पहले जोगिंद्रनाथ मंडल आश्वस्त कई बार कर चुके हैं, वो इस चिट्ठी में बताए निकाल लियाकत अली को कि मैंने आपको शिकायत की लेकिन आप उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। खुलना जिले कलशेरा के सशस्त्र पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता से पूरे गांव पर हमला किया। कई मुसलमान महिलाओं का पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। मतलब पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। मैंने 28 फरवरी 1950 को कलशेरा और आसपास के गांवों का दौरा किया। जब मैं कलशेरा में आया तो देखा यह जगह उजाड़ है और खंडहर में बदल गई है। यहां करीबन 350 घरों को ध्वस्त किया गया। मैंने तथ्यों के साथ आपको सूचना दी। जोगिंद्रनाथ मंडल बार बार कह रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं।
ढाका में 9 दिनों के प्रवास के दौरान मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ये पीरा देश के कानून मंत्री की है। ढाका नारायणगंज और ढाका चटगांव के बीच ट्रेनों की पटरियों पर निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं ने से मुझे गहरा झटका लगा। ये 1950 में लिख रहे हैं, आजादी के 3 साल 2.5 साल बाद। ढाका में 9 दिवस के प्रवास के दौरान मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैंने ईस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलकर दंगों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। उस समय में बंगाली नहीं होता था ईस्ट बंगाल में। मैंने ईस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को मिलकर दंगे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। 12-22 फरवरी 1950 को मैं बरिसाल पहुंचा। वहां के घटनाओं के बारे में जानकर मैं चकित रह गया। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं को जलाया गया। ये देश का कानून मंत्री लिख रहा है। मैंने जिले में लगभग सभी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। माधा पाशा में जमींदारों के घर पर 200 लोगों की मौत हुई और 40 घायल थे। एक जगह से मुलादी प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ भयानक नरक देखा और 300 लोगों का कत्लेआम हुआ। वहां गांव में शवों का कंकाल भी देखे। नदी किनारे गिद्ध और कुत्ते लाशों को खा रहे थे। इन सभी पुरुषों की हत्याओं के बाद लड़कियों को आपस में बांट लिया गया। ये पाकिस्तान का कानून मंत्री अपने प्रधानमंत्री को लिख रहा है। वो कह रहे हैं कि राजापुरा में 60 लोगों के मारे गए। बाबूगंज में हिंदुओं की सभी दुकानों को लूट लिया गया। ईस्ट बंगाल में दंगे में अनुमान के मुताबिक 10,000 लोगों की हत्या की गई और आसपास में महिलाओं और बच्चों को बिलाप करते हुए देखा गया। वो बार बार कह रहे हैं कि हत्या के बाद लोग महिलाओं को आपस में बांट ले रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था। अब देखिए इस सवाल, जोगिंद्रनाथ मंडल के इस सवाल में नीम भीम की राजनीति करने वालों के लिए जवाब है और तब समझ में आएगा कि अंबेडकर कितने समझदार थे। मंडल ने अपने खत में आगे लिखा है, ईस्ट बंगाल में आज क्या हालात हैं? विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है, मतलब भाग करके हिंदुस्तान आ गए थे। जो आज आपको जो दिख रहे हैं ना, बड़े पैमाने में जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, ये पूर्वी बंगाल के जो बंगाली है वही सब है। इनके कारण, जोगिंद्रनाथ मंडल के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रह गए। आज भी जो भी हिंदू वहां पर हैं वो सब दलित हैं और सब जोगिंद्रनाथ मंडल के कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं, उनके धत कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। मुझे मुसलमानों द्वारा, उन्होंने कहा कि क्या मैं इसीलिए पाकिस्तान आया था, क्या मैंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था। मंडल ने अपने खत में आगे लिखा, ईस्ट बंगाल में आज क्या हालात हैं? विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू डॉक्टरों, हिंदू व्यापारियों, हिंदू दुकानदारों का बहिष्कार किया गया। बड़े पैमाने पर इस तरह से बहिष्कार किया जाने लगा। इसको जोगिंद्रनाथ मंडल लिख रहे हैं, मतलब डॉक्टरों को, बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को बहिष्कार किया गया कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, फिर या तो धर्म बदल लेंगे या फिर वो अपनी जमीन जायदाद सस्ते में बेच करके भारत भाग जाएंगे। ये षड्यंत्र रचा गया। मुझे मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार की जानकारी मिली। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान और मुसलमानों के द्वारा खरीदार की पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। तथ्य की बात इस बात है कि पाकिस्तान में ना कोई न्याय है ना कानून का राज है, इसीलिए हिंदू चिंतित है। और ये कानून का राज नहीं है, ये बात पाकिस्तान का कानून मंत्री कह रहा है। पूर्वी पाकिस्तान अथवा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे, उसमें से बड़ी संख्या को बलपूर्वक इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर लिया गया। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें 363 हिंदुओं गुरुद्वारों को कब्जे में कर लिया गया है। ये पाकिस्तान का कानून मंत्री लिख रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। इनमें से कुछ को मोची की दुकान, कसाई खाना और होटलों में तब्दील कर दिया गया। हिंदुओं की जो दुकान थे पाकिस्तान की, ये बात करें पाकिस्तान की पूर्ण तस्वीर उस निर्दयता और कठोर अन्याय की तरफ रखते हुए मेरा तजुर्बा भी है और कुछ कम दुखदायी नहीं, पीड़ादायक नहीं, पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री संसदीय पार्टी का पद का उपयोग करते हुए मुझसे एक वक्तव्य जारी करवाया गया था और मैंने 8 सितंबर को दिया। मैंने इनसे वक्तव्य लिया था कि सब कुछ ठीक ठाक है। आप जानते हैं कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। मैं ऐसे असत्य और सत्य में बुरे अर्ध सत्य भरा वक्तव्य भी जारी करूं, जब तक मैं मंत्री के रूप में हूं, आपके साथ और आपके नेतृत्व में काम करता रहा, मेरे लिए आपके आग्रह को ठुकरा देना मुमकिन नहीं था। अब मैं इससे ज्यादा कुछ दिखावे में नहीं कर सकता, असत्य के बोझ को अपनी अंतरात्मा पर नहीं लाद सकता। मैंने यह निश्चय किया है कि मैं आपके मंत्री के तौर पर अपने इस्तीफे का प्रस्ताव भेज रहा हूं, जो कि मैं आपके हाथों में थमा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी देरी से इसे स्वीकार करेंगे। आप बेशक इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पद को किसी और को देने के लिए स्वतंत्र हैं। और जोगिंद्रनाथ मंडल का यह इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद जोगिंद्रनाथ मंडल भाग करके
बंगाल आ गए और गुमनामी की मौत मरी। आज जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, मुझे लगता है कि हम सबको जोगिंद्रनाथ मंडल की उस किताब को पढ़ने की जरूरत, कि इस इतिहास को पढ़ने की जरूरत है और इस समझने की जरूरत है कि बड़ी ही चालाकी से जोगिंद्रनाथ मंडल को इतिहास से गायब क्यों किया गया कि हम सब इसे पढ़ नहीं सके। नेहरू के गुलाम इतिहासकारों ने, नेहरू के खैराती इस्लामकारों इतिहासकारों ने, नेहरू के चापलूस चमचूस शिक्षा मंत्रियों ने, नेहरू के पुत्री के शिक्षा मंत्रियों ने जोगिंद्रनाथ मंडल की जिंदगी हमें समझने क्यों नहीं दी, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सब भारत विभाजन, पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन जो बाबा साहब की किताब है उसे जरूर पढ़िए। बाबा साहब की जयंती पर यही उनकी श्रद्धांजलि है। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बचपन में कई बार हम समझ नहीं पाए, लेकिन इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा कि जोगिंद्रनाथ मंडल को एक मूर्ति बनाकर, जोगिंद्रनाथ मंडल को इतिहास से गायब करके और बाबा साहब अंबेडकर को एक मूर्ति बनाकर के नेहरूवादियों ने इस देश के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। जोगिंद्रनाथ मंडल के सच को जानना क्यों जरूरी था इस देश को। आज जो मीम भीम का षड्यंत्र कर रहे हैं उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप जोगिंद्रनाथ मंडल के इतिहास को पढ़िए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो, ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उद्देश्य यही था कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए और बाबा साहब की जिंदगी से जोगिंद्रनाथ मंडल को जोड़ करके ये समझने की कोशिश की जाए कि यदि बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बन गए तो जोगिंद्रनाथ मंडल की ताकत थी। जोगिंद्रनाथ मंडल बाबा साहब से ज्यादा लोकप्रिय थे। जोगिंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब को चुनाव जितवाया जिसके कारण वो नेहरू के सामने खड़े हो सके संविधान सभा के लिए। यदि जोगिंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर की मदद नहीं की होती तो उनकी औकात क्या होती। लेकिन जोगिंद्रनाथ मंडल का भरोसा इस बात से, नेहरू के कुकृत्यों से बढ़ता चला गया। जिस ढंग से नेहरू हर सामने प्रभावशाली व्यक्तियों का कद काटते थे, जोगिंद्रनाथ मंडल को लगने लगा कि यदि अंबेडकर जैसे ज्ञानी लोगों की भारत में अहमियत नहीं है तो मेरी भी अहमियत नहीं होगी। और मंडल एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चों को एक स्वार्थ होता है चॉकलेट का कोई लोभ दे दे, उसी तरह उसी लोभ में वो पाकिस्तान चले गए। और जोगिंद्रनाथ मंडल ने जितना अन्याय, जितना दुराचार, कुकृत्य भारत के साथ किया उतना बहुत लोग बहुत कम कर पाए। मंडल यदि पाकिस्तान नहीं जाता, मंडल ने यदि मीम भीम 40 के दशक में नहीं किया होता तो पाकिस्तान के पास आज बांग्लादेश संभवतः नहीं होता। बांग्लादेश यदि होता भी, जो आज बाद अभी भी बांग्लादेश तो नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिलता। खैर, जो होना था सो हुआ, लेकिन इतिहास, इतिहास को हम बदल तो नहीं सकते लेकिन इतिहास से हम सीख ले सकते हैं। तो जब कभी भी आपके सामने कोई मीम भीम का षड्यंत्र रचे तो उसके सामने जोगिंद्रनाथ मंडल का इतिहास मार फेंकिए, ये वीडियो उसके साथ मार फेंकिए और इस किताब को जरूर पढ़िए, मैं जरूर ये कहूंगा। और जब कभी भी, इसलिए समझना जरूरी है कि यदि आप सच नहीं समझ रहे होंगे तो ऐसे लेफ्टिस्टों के षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे तबरेज अंसारी जैसा एक चोर विक्टिम बन जाता है और अश्विनी कुमार जैसा एक वर्दीधारी जो चोर को पकड़ने जाता है और एक समुदाय द्वारा मस्जिद से नमाज के बाद उसे घेर लेने की बात की जाती है और फिर से मार दिया जाता है। दरअसल कोई समुदाय खतरनाक ज्यादा नहीं है, ज्यादा खतरनाक जोगिंद्रनाथ मंडल जैसे लोग हैं। जिन्ना खतरनाक नहीं था, जिन्ना को ताकत देने वाला जोगिंद्रनाथ मंडल जैसे लोग खतरनाक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगता है यही बात कहनी थी। इस बात को आप, यदि आप समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि इतिहास को हम बेहतर समझ पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि कैसे एक इतिहास के साथ छल हुआ। हम ये समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि कैसे जोगिंद्रनाथ मंडल के इतिहास को हम सब से छुपाया गया। हम ये समझ पाएंगे कि जोगिंद्रनाथ मंडल एक अकेला शख्स था और जोगिंद्रनाथ मंडल जैसे लोग इतिहास में सिर्फ नहीं रह जाते, जोगिंद्रनाथ मंडल जैसे लोग कैसे आपके इतिहास को बदल देते हैं, देश के भूगोल को कैसे बदल देते हैं।
और बाद में फिर इन जोगिंद्रनाथ मंडलों को क्या मिलता है, ये आप और हम बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि यही मुझे बताना था, यही हमें समझना था। और आज जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, तो बाबा साहब को इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम नहीं दे सकते कि हम समझ सकें, हम जान सकें कि बाबा साहब अंबेडकर का योगदान क्या है, इस देश के लिए बाबा साहब अंबेडकर का योगदान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।